Welcome to Live Wire Transmission. I'm your host, Tariq Khan Javed. Now it's time to discuss textile issues. नाज़रीन, हमारे पास एक बड़े एक्सपर्ट गुडेल साहब मौजूद हैं आज, जो उनसे हम बहुत सारी बातें पूछेंगे। इससे पहले आपको दो खबरें सुनाऊं जो कि खुशाइन है टेक्सटाइल के हवाले से। एक तो ये है कि टेक्सटाइल एक्सपोर्ट जो है वो 7.9% बढ़ गई फर्स्ट क्वार्टर में, यानी कि जून टू सेप्टेम्बर। जो बहुत ज़्यादा हमें दो तीन महीने पहले डिप्रेशन हो रही थी, उसको थोड़ा सा अब हम काउंटर करते हुए नज़र आ रहे हैं। 3.3 बिलियन एक्सपोर्ट हुआ जुलाई टू सेप्टेम्बर अगेंस्ट 3 बिलियन इन द पास्ट। तो ये एक खुश आइन खबर। दूसरी जो अच्छी खबर है वो ये है कि कॉटन प्रोडक्शन में हम एक प्लेटो ऊंचाई पे पहुंचे थे, उसके बाद पिछले साल बहुत नीचे आ गए थे। अब उसके बाद फिर से कहा जा रहा है कि इस दफ़ा जो अभी तक जो फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स आए, वो जो प्रोडक्शन है वो ऐसा है कि ऐसा लगता है कि पूरे साल में शायद 30% मोर प्रोडक्शन हो जाएगी। तो उस लेवल पर, जो पुराने लेवल पर तो नहीं, उससे थोड़े नीचे लेवल पर हम शायद आ सकते हैं। गुडेल साहब से इस सिलसिले में राय लेंगे। सर, कुछ तो इम्प्रूवमेंट आ रही है। हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि ये 7 to 8% जो 3 महीने में ग्रोथ आई है, कोई भी बिजनेस है अगर कोई पॉलिसी आती है उसका इम्पैक्ट शुरू होता है तो उसके 3-4 महीने के बाद उसके इम्पैक्ट आने शुरू होते हैं। जैसे पॉलिसी प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस की, एक मूवमेंट बनी, अब वो मूवमेंट बनते बनते आपकी 7 to 8% आपकी एक्सपोर्ट बढ़ गई। अब इन्होंने पॉलिसी को डिसकंटिन्यू कर दिया, फिर अब नया एक SRO आना है, अब ये फिर एक सेटबैक में पॉलिसी चली जाएगी। अब उसके अंदर उन्होंने नई पॉलिसी में अखबारों में और चीज़ों में आ रहा है, अभी तक SRO निकला नहीं है, कि जो हमारा 7% है वैल्यू एडिशन का, 3.5% आपकी एक्सपोर्ट पे देंगे और 3.5% आपको जब नेक्स्ट ईयर आप एक्सपोर्ट बढ़ाए इंक्रीज पे बढ़ाएंगे तो नेक्स्ट ईयर 10% बढ़ाएंगे तब आपको मिलेगा, वो अगले साल मिलेगी। तो ये शिफ्ट ऑफ पॉलिसी जो है ना, ये बड़ी एक्सपोर्टर को डिस्टर्ब करती है। रहा सवाल, आपने एक और सवाल किया कि जो कॉटन है इस बार हमारी 30%, मैं समझता हूँ कि 30% तो राइज नहीं होगी, इट विल गो टू 17 to 18%। लास्ट ईयर जो हमारी जो कॉटन की जो ग्रोथ थी वो 9.4 मिलियन बेल्स थी। अच्छा, व्हाट वाज़ द पीक एक ज़माने में, शायद 15 तक पे पहुँचे थे हम 135 पे पहुँचे थे मिलियन बेल्स, 135 मिलियन बेल्स पे पहुँचे थे, और अब 9.4 पे लास्ट ईयर आए थे, 9.45 से मैं समझता हूँ कि 115 तक हम मिलियन बेल्स पे हम पहुँचेंगे, 115 मिलियन बेल्स पे हम पहुँचेंगे इस साल, ये एक्सपेक्टेशन अभी तक नज़र आ रही है। लेकिन जो पॉलिसी है ना, वो कंटिन्यूएशन जो है ना वो इम्पोर्टेंट होता है। जैसे आपने कहा कि एक्सपोर्ट बढ़ गई, इसका इम्पैक्ट आपने उस पॉलिसी के तहत देखा तो उसका इम्पैक्ट आया। अगर ये उस वक्त इसको कंटिन्यूएशन अभी रखते तो ये मज़ीद इंक्रीज हो सकती थी। अब ये नई पॉलिसी में SRO का इंतज़ार हो रहा है, कोई पेमेंट सब रुकी हुई है, तो जब तक ये पॉलिसी कंटिन्यूएशन नहीं आएगा तो हमें यही इफ एंड बट्स मिलते रहेंगे इसके अंदर। अच्छा सर, ये आजकल बड़ा एक फैशन हो गया कि जी बिकॉज एक्सपोर्ट्स डिक्लाइन एंड इम्पोर्ट्स आर सो बिग, उन्होंने 731 आइटम के ऊपर बड़े बड़े ड्यूटीज़ लगा दिए 50%। और इसको बड़ा एज ए पैट्रियटिक मूवमेंट दिखाया जा रहा है कि जी मुल्क की इंडस्ट्री को बचाने के लिए हमने ये कर दिया। तो इसी सिलसिले में आप लोग इंडस्ट्री से रिलेटेड जो पॉलिएस्टर्स में, उस पर भी काफ़ी ड्यूटियाँ बढ़ती चली जा रही हैं, तो व्हाट विल हैपन टू पॉलिएस्टर इंडस्ट्री? देखिए, 731 आइटम्स पे जो इन्होंने ड्यूटी लगाई है अभी, जो एक्चुअली 241 आइटम पे लगाई है इन्होंने रेगुलर ड्यूटी। अब 241 आइटम तो बाकी क्या है? बाकी पहले से लगी हुई। अच्छा, ये एडिशनल है। तो अभी इस वक्त इन्होंने पॉलिएस्टर पे ड्यूटी लगाई है 5% रेगुलर ड्यूटी, फिर NTC ने 7 to 8% एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है। 7 + 8, 5 + 7, 12 ये हो गया, 12 ये हो गया, ऑलरेडी 10% ड्यूटी थी, 22 हो गया। ऑल अदर एक्सपेंसेस आप जब ऐड करेंगे, इनकम टैक्स वगैरह सारी चीज़ें, तो ये कम से कम 27-28% पे चली जाएगी आपकी कॉस्ट ऑफ इम्पोर्ट। जबकि अच्छा सर कि वो बाहर से इम्पोर्ट नहीं होगी तो हमारी लोकल इंडस्ट्री, देखिए हमारी लोकल का फायदा हो जाएगा। देखिए नहीं, ये हमारी जो लोकल इंडस्ट्री है ये पिछले कोई 25 साल से ये काम कर रहे हैं, इन्होंने गारंटियां भी दी, सब दी, 10 साल के अंदर ही हम सब जो है आप पे ड्यूटी लगाए ना लगाए सब उन्होंने गारंटियां, यानी वी विल स्टैंड ऑन आवर ओन। ठीक है, अब वो पीरियड भी क्रॉस हुए हुए 15-17 साल हो गए हैं, लेकिन अब इस वक्त जो है आप ये सोचें कि 20% टोटल प्रोडक्शन का शेयर है
लोकल, यानी अगर आप बाहर से इंपोर्ट ना करें, दे कैन नॉट मीट द डिमांड, दे प्रोड्यूस देयर मैक्सिमम कैपेसिटी इज 20% ऑफ द मैक्सिमम कैपेसिटी प्रोडक्शन, 80% हैज टू बी इंपोर्टेड, हैज टू बी इंपोर्टेड लीगली और इलीगली। अलीगली आप देखें, आप इतनी ड्यूटी लगाएंगे तो इलीगल शुरू हो जाएगा। इसमें सबसे बड़ा जो नुकसान है ना, इसको समझना है कि यान स्मगल होके नहीं आएगा, फिर ये सारा पॉलिएस्टर का कपड़ा आपका जो है वो स्मगल होके पाकिस्तान में आएगा। पॉलिएस्टर का कपड़ा बनना बंद है यहाँ पे, यहाँ पर फैक्ट्रियाँ बंद हो जाएंगी, उस पर बड़ा इम्पेक्ट आएगा। तो इस ड्यूटियों को एडॉक बेस पर काम ना किया जाए, यानी आप जब भी देखें हमारे मुल्क में एकदम सुबह उठो तो ये ड्यूटी लग गई, एक पूरा प्रोपोर्शनली पूरी प्लानिंग होती है, साल दो साल की या पाँच साल की प्लानिंग की जाए कि इसके इम्पैक्ट्स क्या आएंगे। यानी रूपाली और ये गैट्रॉन की इंटरेस्ट को तो देखना है, लेकिन नीचे जो जो लोग वीविंग कर रहे हैं उनको भी तो देखना है, ठीक है ना, वो उनकी तादाद ज़्यादा है ना, ठीक है ना, आप इतने छोटे गरीब लोग हैं, वो सारी आपकी जब स्मगल होके फैब्रिक आएगा तो आपकी इंडस्ट्री तो बंद होने लग जाएगी फिर, और आपको रेवेन्यू भी नहीं मिलेगा। इस वक्त जो रेवेन्यू आपको मिल रहा है इंपोर्ट के स्टेज में, वो रेवेन्यू भी आपका कम हो जाएगा। तो ये रेगुलर ड्यूटी आइटम पे ज़रूर लगनी चाहिए, लग्जरी आइटम पे लगनी चाहिए, कपड़े पहने और खाने पीने की चीज़ों पे तो रेगुलर ड्यूटी जो है ना वो पॉलिएस्टर के कपड़े आम गरीब लोग पहनते हैं साहब, उसकी होता है स्त्री की जरूरत नहीं होती है। और दूसरा ये कि इसके अंदर भी ये आइटम री एक्सपोर्ट होते हैं। अच्छा अच्छा, हम जब DTRE में मंगाते हैं बड़ा प्रोसीजर है, जब लो ड्यूटी होती है तो लोग क्या कहते हैं कि ड्यूटी में मंगा लो, हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में आ जाता है। जब हायर रेट ऑफ ड्यूटी में चला जाएगा तो आपकी एक्सपोर्ट भी इस पे इम्पैक्ट आएगा, एक्सपोर्ट पे भी आपका इम्पैक्ट आएगा। तो ये सब चीज़ों को ख्याल नहीं करते, एकदम से NTS वगैरह उठ के खड़े हो जाते हैं। इनको तो मेन इंटरेस्ट है कि ये सब लगाने से बहुत बड़ा फायदा ये है कि टैक्स ज़्यादा मिल जाएगा कस्टमर, ठीक है ना। NTC नेशनल, खाली आप टैक्स की तरफ देखते जाओगे, वैसे ही जैसे आपने एनर्जी को महंगा कर दिया, 1000 बिलियन का टैक्स लगा दिया एनर्जी पे, आप लोग रीजन में कम्पीट नहीं कर पाते एनर्जी कॉस्ट में, तो ये नहीं सोचते कि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या आने वाला है लार्जर स्केल पे। देखिए लार्जर स्केल पे हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस हमसे कम है। हमारा सबसे बड़ा रीज़न एक्सपोर्ट का रिड्यूस होना एक ही रीज़न है कि हमारे नेबरिंग कंट्री की कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम है। जब तक वो लेवल प्लेइंग फील्ड इक्वल नहीं होगी, आप कहीं पे भी दुनिया में कोई आदमी कंपीट नहीं कर सकते। एक बाजू में दुकानदार है वो 100 रुपये की चीज़ बेच रहा है, आप 110 में बेच सकते हो? नहीं नहीं सवाल ही नहीं। तो आपको रीजन में देखना है, उसके हिसाब से आपकी कॉस्ट को गवर्नमेंट को इलेक्ट्रिसिटी गैस जितने बिल्स हैं यूटिलिटीज के उसको उसी लेवल पे लाना है, फिर आप हमसे सवाल कर सकते हो कि एक्सपोर्ट क्यों नहीं बढ़ी। सर इस पर तो हमारे आर्मी चीफ ने भी बोल दिया कि टैक्स बेस बहुत छोटा है, टैक्स बेस नहीं बढ़ा हुआ है और सारे इंडस्ट्री के ऊपर बोझ पड़ा हुआ है या एनर्जी वालों पे जो बोझ, अब तो मजबूर हो के आर्मी के मुंह से भी निकल गई क्योंकि रिसोर्स की कमी है। आपने कहा है आर्मी को कि जी ये फाटा में भी लड़ो, फलाने जगह में भी लड़ लो, पूरे अफगानिस्तान को फेंस कर दो, पैसा चाहिए ना उसके लिए, पैसा है ही नहीं। और इसकी वजह यह है कि टैक्स बेस हम बढ़ाते ही नहीं है ड्यू टू पॉलिटिकल एक्सपीडेंसी, कि बढ़ाएंगे तो वो जिससे भी मांगने जाएंगे वो नाराज़ तो होगा। देखिए आपने अगर इंसेंटिव देना है ना, आप सिर्फ वैल्यू एडिशन को दें, वैल्यू एडिशन चेन ऑफ कमांड है, वैल्यू एडिशन चलेगी तो आपकी स्पिनिंग भी चलेगी, आपकी प्रिंटिंग भी चलेगी, आपकी डाइंग भी चलेगी, का माल लेके वैल्यू ऐड होगा, वैल्यू ऐड होगा जी जी। आप हर स्टेज पे मत दो, सिर्फ वैल्यू एडिशन को स्पेशल इंसेंटिव देके आपकी आपका जैसे ट्रिगर ऑन होगा, मैक्सिमम जॉब क्रिएट वहीं होती है और वैल्यू वहीं बढ़ती है। मैक्सिमम जॉब, आप रुई से धागा बनाएंगे थोड़ी सी वैल्यू बढ़ेगी, धागे से कपड़ा बनाएंगे उसकी भी ज़्यादा नहीं, लेकिन वही ये टाई जो है $50 की बिक जाती है मार्केट में, इसके कितना कपड़ा लगा हुआ है इसमें कुछ भी नहीं, बस डिज़ाइन ही है। देखिए दुनिया के अंदर आप कहीं भी जाएंगे वो वैल्यू एडिशन को इंजन समझते हैं, वो उन्हीं नीचे वालों को खुद ही खींचता है, वो खुद ही खींचता है, इंजन जो है वो बोगी को खींचता है। हम टुकड़ों में बांट रहे होते हैं, वो कहीं भी प्रॉपर जाता नहीं है। तो वैल्यू एडिशन सबसे पहला इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है कि उसको इंसेंटिव दिया जाए, बाकी चेन ऑफ कमांड खुद पर खुद चलती रहेगी और आपकी एक्सपोर्ट बढ़ाने के जॉब भी ज़्यादा यहीं क्रिएट होती है आपकी। अब स्पिनिंग है सब ऑटोमेटिक मशीन होती है, देखिए स्प्लेंडर, मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि एक सिलाई की मशीन में 3 आदमी एम्प्लॉय होते हैं, इससे सस्ता 15,000-16,000 की मशीन है, इससे सस्ती एम्प्लॉयमेंट तौर पर करवाया है कुछ लोगों को, तो इतनी इससे सस्ती एम्प्लॉयमेंट कहीं पर लिख दिया कि मुझे और 30 मशीन चाहिए, लोग आ गए। एक तो आया कहता है फ्री में ले, पैसा खैरात में ले लो, मैंने कभी खैरात नहीं लेता हूँ, तो मुझे रिटर्न दे देंगे हम। तो उस इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन आपकी, क्योंकि आप एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है हमारी,
हमारी 22% एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है। हमें वो चीज़ तलाश करनी चाहिए जिसके अंदर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री तलाश करनी चाहिए जो एग्रीकल्चर बेस्ड हो, जिससे आपकी वैल्यू एडिशन हो। जैसे जूसेज हैं, जितनी चीज़ें हैं, इन सब की इंडस्ट्रियाँ लगनी चाहिए जो आपको एग्रीकल्चर बेस्ड हो। मॉडर्नाइजेशन की तरफ हम ना 25% तो हमारा ज़ाया हो जाता है ये फ्रूट व्रूट सब, हाँ तो हम उसको संभाल नहीं पाते, तो इसकी एक 5 ईयर। इसी तरह दूध हमारे ज़ाया हो जाता है, वीट ज़ाया हो जाता है, हमारे जितनी एग्रीकल्चर पर 25% तो लॉस है ही रहे। देखिए ना आप, विच इज़ अ शेम। आज से अगर हिस्ट्री में चले जाएँ तो पहले 5 ईयर्स प्लान बनता था, 5 ईयर्स की पॉलिसी बनती थी और उस पॉलिसी पे इम्प्लीमेंट होता था तो कंट्री ग्रो करता था। आज आप एडॉक बेस पे मुल्क चलाओगे तो जो आपका बिजनेसमैन है वो एडॉक बेस पे कैसे चल सकता है, पता ही नहीं कि कल क्या एसआरओ आएगा। अभी इस वक्त हम सब सशोपंच के अंदर है कि ये नया एसआरओ जो अखबार में आ रहा है, ये जो 7% तैयारी होती है उसकी। अब हम क्योस में खड़े हैं कि ये एसआरओ कब आएगा। तो इस तरह कभी भी आप दोबारा आप डिक्लाइन देखोगे अगर ये क्योस में खड़ा रहेगा 2-3 महीने, फिर आपकी एक्सपोर्ट जो है वो रिडक्शन पे चली जाएगी। तो इसको इमीडिएट बेस जो भी पॉलिसी है उसको इमीडिएट बेस रिलीज होना चाहिए। और स्पेशली मैंने कहा ना कि पॉलिएस्टर के साथ जो प्रॉब्लम इस वक्त आएगा, आगे आपका कपड़ा स्मगलिंग शुरू हो जाएगा, आपकी मशीनरी बंद होना शुरू हो जाएंगी जो फैब्रिक बनाती हैं, तो पूरी चेन ऑफ कमांड पर एक नया चैप्टर खुल जाएगा। बहुत सारी बंद पड़ी हुई है, अब वो किलो के हिसाब से बेच रहे हैं लोग। अब देखो ना 5% ड्यूटी एंटी डंपिंग उस पर, तो खैर एनटीएससी पे तो स्टे ले आए, हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया है अभी, लेकिन इन चीज़ों को गवर्नमेंट को बिल्कुल माइक्रो पे देखना चाहिए कि किस इंडस्ट्री को इससे डैमेज होगा। अगर हम कोई भी रेगुलर ड्यूटी लगाते हैं कौन सी इंडस्ट्री डैमेज होगी, ये इसको मद्देनजर रखते हुए रेगुलर ड्यूटी लगानी चाहिए। मेरे जो समझ में आती है बात, और यही आर्मी चीफ ने भी कह दी, तो बहुत बुरा मान गए कि अभी तो जो माइंडसेट है वो ये है कि कहाँ से टैक्स लगा के कुछ पैसा आ जाए, कुछ कस्टम ड्यूटी आ जाए, भले इंडस्ट्री तबाह हो जाए, नो प्रॉब्लम। उनका जो बजट का टारगेट है, क्योंकि अकाउंटेंट साहब है ना डॉक्टर साहब, वो कहते हैं जी 3000 चाहिए तो यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, यहाँ, उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट होने वाला है ही इज़ नॉट बॉदर्ड। देखिए ना, आपके टेक्सटाइल इंडस्ट्री को तबाह कर दिया ना भाई, आपके सामने है कि जो आपकी एक्सपोर्ट थी वो रुपये को रोक दिया, आपके सारे पैसे रोक के बैठ गए, साथ साथ एनर्जी इतनी महंगी कर दी, आप बैठ गए। हमने तो अपने पैसे के लिए रोना ही छोड़ दिया है। नहीं, लोगों ने बंद नहीं कर दिया ना भाई, 180 फैक्ट्रियाँ वैसे ही बंद हो चुकी हैं गारमेंट की। सर आजकल वो किलो के हिसाब से मिल रही है मशीनें, तो देखिए ना इसका बहुत सस्ती मिल रही है, फिर जो स्टील आर्म स्टील से भी सस्ती मिल रही है। लेकिन इसी इसका इम्पैक्ट जब सारी बात है आपके अनएम्प्लॉयमेंट पे आएगा। सुना पहले बांग्लादेश अच्छे रेट पे लेता था, जब उसको पता चला कि इतनी ज़्यादा यहाँ बेकार पड़े हैं, उन्होंने रेट ही डाउन कर दिया। हमारे यहाँ इस वक्त जो अगर गवर्नमेंट को अगर सीरियस नोट ले के हमारी एक्सपोर्ट बढ़ाना कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं हर वक्त कहता हूँ हर चैलेंजेस आते हैं एक्सपोर्ट बढ़ाने में, 3-4 चीज़ों को हम ठीक कर लें। एक और नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, 60 लाख आदमी चाइनीज़ आउटसोर्स कर रहा है जॉब क्रिएट करने के लिए। हम पाकिस्तान उसमें से 15 लाख जॉब क्रिएट करने के लिए वो इंडस्ट्री दुनिया में ले जा रहे हैं 60 लाख आदमियों के लिए। ये अभी लेटेस्ट रिसर्च चाहिए, 60 लाख आदमी, इसमें हम 15 लाख आदमियों की जॉब क्रिएशन हमारे यहाँ करवाएं, चाइनीज से एग्रीमेंट MOU साइन करें। ऐसी बहुत सारी, सर ये क्या करेगा, चाइनीज लोग आएंगे यहाँ पे? चाइनीज लोग नहीं आएंगे, चाइनीज अपनी इन्वेस्टमेंट और अपने ऐसे इंडस्ट्री लाएंगे दुनिया में ले जा रहे हैं। इतने लाख लोग 60 लाख, ऐसा हो जाए तो क्या बात है। इसमें हम 15 लाख आदमियों का शेयर तो हम ले सकते हैं, ये बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिसको हमारी गवर्नमेंट को कैश करना चाहिए। 15 तो मिलना चाहिए हमें भाई, हमें इतना मिनिमम हमें इनकैश करना चाहिए 15 लाख आदमी की जॉब्स जो क्रिएट होने वाली है। इस पर हमें गवर्नमेंट को चाइनीज़ गवर्नमेंट के साथ बैठ के कोई मुआहदा करना चाहिए, ये बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिसको हमें कैश करना चाहिए। सर इस वक्त अपॉर्चुनिटी तो सिर्फ चाइना ही के पास है ना, उसके पास सरप्लस पैसा पड़ा हुआ है, वही इस तरह की बातें कर सकता है ना कि 60 लाख जॉब एक्सपोर्ट कर दिया भाई। वो जो गरीब मुल्क तो नहीं कर सकता ना, उसके पास पैसे हैं वो कर सकता है, उसमें उसका म्यूचुअल बेनिफिट भी होगा। ये नहीं होगा कि आप ही को आपको जॉब मिलेगी लेकिन वो भी तो कमाएगा ना। दुनिया के अंदर एक निज़ाम है, somebody invest the money, कोई काम करता है, कोई इन्वेस्ट करता है, सब उसके अंदर शेयर होल्डर होते हैं जी। हर आदमी का थोड़ा थोड़ा शेयर होल्डिंग होता है। अब चाइनीज अपनी जब डाइवर्सिफिकेशन करेगा तो उसका अपना इंटरेस्ट भी होगा और आपके एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी। हमें एम्प्लॉयमेंट हमारे लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है।
गोरेल साहब बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग वैसे भी गोरेल साहब जैसे लोग ज़िंदगी भर इन्होंने स्ट्रगल किया है टू क्रिएट जॉब्स इन पाकिस्तान, और जब इनको तकलीफ़ होती तो आके रोना रोते हैं और इनकी शक्ल पर दर्द आपको नज़र आता है। इन्होंने ये सब कुछ जो किया इसलिए नहीं किया कि ये इनके पास बहुत खाता उतना ही खाते जितना आप लोग खाते हैं, लेकिन इन लोगों ने जिहाद किया जनाब, इस मुल्क में जॉब क्रिएट की। जॉब जब ख़त्म होने लगती है तो चीखते हैं रोते हैं। अभी जो 15 लाख की जॉब की बात की है और किसी से नहीं सुना था, पहली दफ़ा सुना है। 15 लाख जॉब अगर चाइनीज़ ले आते हैं उनका भी फ़ायदा, हमारे भी फ़ायदा। हम कुछ नहीं चाहिए, हमारे बच्चों को 15-20 हज़ार की नौकरी दे दो बस, ठीक है, इसके बदले तुम लाखों कमा के ले जाओ, कोई मसला नहीं है। तो और ये तो अपनी जगह पे 180 मशीनें जो बंद पड़ी हैं उसको खोलने के लिए फिर से एक कोशिश होनी चाहिए 2003 की तरह, कि इनके तमाम जो कर्ज़े हैं ओरिजिनल के अलावा सब माफ़ कर दिए जाएं और इनको ज़मीनें वापस कर दो कि जाओ भाई अब किसी और बैंक से पैसा लो चलाओ। ये 180 मशीनें चलना शुरू हो जाए फैक्ट्रियाँ तो फिर यहाँ भी बहुत जॉब क्रिएट हो सकती है। जॉब क्रिएशन ही हमारी जहाद है, जॉब क्रिएशन ही हमारी ज़िंदगी का मकसद है। मैं भी एक छोटा मोटा उसका सिपाही हूँ, अभी बैठे बैठे फेसबुक पे एक नोट लिख दिया और लोगों ने 30 मशीनें ला के हमें दे दी। एक साहब ने तो कहा कि जी खैरात के तौर पे ले लो, क्योंकि इतना अहसन काम है। जैसे गोडेल साहब ने कहा 15-20 हज़ार की मशीन, 3 लोगों की बाइज्जत नौकरी, इससे अच्छा क्या खैरात हो सकता है, इससे अच्छा सदका जारिया क्या हो सकता है, बता दे कोई। तो गोडेल साहब ने पूरी ज़िंदगी गुजार दी जनाब ये सदका जारिया करते करते, आजकल तकलीफ़ में आते हैं तो आके दुखड़ा सुनाते हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि सीरियस नोट ले रेगुलेटरी ड्यूटी के ऊपर भी। यार्न की इंडस्ट्री अगर बंद हो जाएगी तो बहुत सारे लूम्स बंद हो जाएंगे, उसको रोकना है। इसी तरह और जो फैक्टर्स हुए हैं डिक्लाइन के, लाइक करेंसी को रोकना, दार साहब की बहुत बड़ी गलती, इनर्जी पे 1000 बिलियन का टैक्स लगा देना बहुत बड़ी गलती, इसी तरह इन लोग का 180 बिलियन या कितना रोक के रख लेना, जिसकी वजह से ये लोग पैसा होते हुए कंगाल हो गए, पैसा ख़त्म हो गया इनके पास, रिक्शे के लिए पैसा नहीं, टैक्सी के लिए पैसा नहीं, तो वो फैक्ट्रियाँ बंद करके चले गए गरीब। और आजकल वो किलो के हिसाब से बिक रहा है जनाब मशीन, पहले सुना वो 40 पे लेता था, अब बांग्लादेश को जब पता चला कि इतना ज़्यादा है पड़ा हुआ तो उसने 10 का रेट कर दिया है। वाट ए शेम फुल सिचुएशन, कि बांग्लादेश हमारा लोहा लेके जा रहा है, लोहे के नाम, लोहे की कीमत पे लूम लेके जा रहा है, वहाँ उसको चलाएगा, वो वायबल भी हो जाएगा, उससे वो करोड़ों अरबों रुपये बिलियंस कमाएगा, हम लोहा बेच रहे हैं, लूम को लोहा बना दिया, लोहे की लूम की कीमत और लोहे की कीमत बराबर हो गई। नाज़रीन इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ।